हाँ हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? सलाम वालेकुम सर। सलाम वालेकुम सर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या आप लोग बता सकते हैं? लास्ट लाइन क्या था? सर रिएक्शन में देने हुए। सर अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड का पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसी सल्फर डाइऑक्साइड में, उसी में पॉइंट वाइज लिखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ब्लीचिंग एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ब्लीचिंग एक्शन। देखिए, ब्लीचिंग एक्शन, जैसे आप, ब्लीचिंग एक्शन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ कलर्ड सब्सटेंस, कलर्ड इंप्यूरिटी। वो कलर्ड इंप्यूरिटीज को बढ़ाता है। आप जैसे सैलून पे जाते हैं, कहते हैं ना ब्लीच कर दो, कलर्ड सब्सटेंस को हटाना, दाग वगैरह को, इंप्यूरिटीज को हटाना, कलर्ड को कलरलेस करना। आप गांव देहात में भी सुनते हैं कि तेज धूप में कपड़े को मत सुखाओ, कलर्ड कलरलेस हो जाता है। होता है कि नहीं, जल्दी बताएं, हाँ या यस सर। ना? रंग उड़ जाता है। तो उसी फेनोमेना को केमिस्ट्री में कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन। जिस तरह आपने पढ़ा पंजेंटेसिमल, उसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये याद रखिए, पूरे पी ब्लॉक में कौन कौन ब्लीचिंग एजेंट है। ग्रुप 16 में दो आएगा और 17 में भी दो आएगा, चार ब्लीचिंग एजेंट आप पढ़ेंगे। तो देखिए, ब्लीचिंग एक्शन का दो रीजन है बस, एक है ऑक्सीडेशन की वजह से, एक है रिडक्शन। कोई भी पूछे व्हाई इट इज एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, तो कहीं पर होगा ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन, या कहीं पर होगा ड्यू टू इट्स रिडक्शंस। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट, सिंपल एक लाइन में, ड्यू टू इट्स रिडक्शन। क्यों, कैसे हुआ भाई? तो कलर्ड सब्सटेंस को ये कलरलेस बनाता है। कलर्ड सब्सटेंस को क्या बनाता है, जल्दी बताइए सारे लोग। कलरलेस 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 हाँ, कलरलेस बनाता है, कलरलेस। तो कोई भी कलर अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, या नेसेंट हाइड्रोजन इसको कहते हैं रिडक्शन। तो वो कलर्ड कलरलेस सा बन जाता है, कलरलेस सब्सटेंस। वो ऑक्सी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले इसमें अनपेयर्ड था, एक इलेक्ट्रॉन लेकर पेयर्ड हो जाएगा। पेयर्ड का मतलब हो गया कलरलेस। अनपेयर्ड का रीजन है कि कलर्ड का रीजन होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कलर्ड होता है। तो ब्लीचिंग एक्शन के दो रीजन है, या तो वो रिडक्शन प्रॉपर्टीज की वजह से होगा, या किसकी वजह से होगा, जल्दी बताइए, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज की वजह से। तो आप लिखिए, सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। क्यों? ड्यू टू इट्स रिडक्शन प्रॉपर्टी। बस यही लाइन आपको देना है। क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीचिंग ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन। तो देखिए, रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया, कलरलेस हो गया। अरे बोलिए ना, सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ब्लीचिंग एक्शन के रीजन कितने होते हैं, तो कौन कौन, जल्दी बताओ, ब्लीचिंग एक्शन के रीजन क्या क्या होते हैं? रिडक्शन प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, यस, ऑक्सीडेशन। हाँ, वेरी गुड। अब आइए कि मैं वो क्लोरीन में लिखवाऊंगा, यहां पर मैं नहीं लिखवाऊंगा। अब इसमें एक ऑप्शन दे देगा, याद रखिए, जो भी, जैसे कोई कपड़ा होता है, क्लोथ होता है, फैब्रिक्स कलर्ड है, उसको कलरलेस करना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के ब्लीचिंग एजेंट में एक फर्क है। एग्जामिनर अगला लाइन बना सकता है कि द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्पररी। क्योंकि आप इसको देखिएगा, मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि सल्फर डाइऑक्साइड का +4 होता है, ये रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। डिड यू अंडरस्टैंड, हाँ या ना?
रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जल्दी बताइए हाँ या ना। अरे इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जब होता है तो क्या करता है, इसीलिए कहा गया कि सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन टेम्पोरी है, क्योंकि ये कलरलेस कैसे बना, हाँ ऑक्सीजन को रिमूव करके, चूंकि ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी शो करता है, ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है, फिर ये क्या करेगा कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ये कलरलेस सब्सटेंस जो है क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके फिर कलर्ड में चला जाए, इसलिए इसका एक्शन टेम्पोरी होता है। क्लोरीन हाइड्रोजन ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका अफेक्ट परमानेंटली है। अगर किसी क्लोथ को परमानेंटली कलरलेस करना है क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाना है, यानी जो केवल ऑक्सीडेशन होगा केवल, तो उसकी ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होती है। लेकिन इसकी ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट नहीं, ये तो चलो भाई ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, थोड़ी देर के बाद या कुछ देर के बाद फिर ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज होने की वजह से फिर से ऑक्सीजन को रीगेन करेगा एयर से, एयर से एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन को गेन करके फिर ये कलर में चेंज हो जाएगा। इसलिए ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्पोररी, बिकॉज एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन स्लोली ऑक्युपाइज रिमूव ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन रिमूव हुआ फिर से दोबारा ऑक्सीजन आ जाएगा। रिडक्शन की दो मीनिंग होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ कहा गया इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या मेरी बातें नहीं समझ में आ रही सबको, मेरी आवाज साफ साफ क्लियर नहीं है? क्लियर है एकदम क्लियर। हाँ कलरलेस आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब रिडक्शन ही हुआ। तो सल्फर डाइऑक्साइड चूंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो कर सकता है, इसलिए इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट नहीं है। ये भी चलिए यहां पर लिख ही देता हूं, यही चार ऑप्शन करके पूछेगा आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन क्या है, परमानेंट है कि टेम्पोररी है, तो क्या बोलेंगे? यस हाँ, ब्लीचिंग एक्शन क्यों है, रिडक्शन प्रॉपर्टीज। ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट है या टेम्पोररी, तो कहेंगे टेम्पोररी। ओके इसका भी रीजन यही है, जब हाँ एग्जाम में कोई पूछे भी क्यों, तो ड्यू टू इट्स रिडक्शन, कोई भी रिडक्शन की वजह से होगा ना तो वो होगा। अब इसके आगे ब्रैकेट में समझा के लिख देता हूं, समझा, ब्लीचिंग एक्शन क्यों है, रिडक्शन प्रॉपर्टीज, टेम्पोररी भी क्यों है, रिडक्शन प्रॉपर्टीज, आप यही लिखेंगे। बोलो सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताओ। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में ब्रैकेट में लिख देता हूं कि क्योंकि कि आपको ये लाइन और अच्छे समझ में आए, बिकॉज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन स्लोली ऑक्युपाइज रिमूव्ड ऑक्सीजन, स्लोली रिमूव्ड ऑक्सीजन को की जगह ले, जहां से हटा था उसी जगह फिर आ जाएगा, एंड मटेरियल रिगेन्स इट्स कलर, रिगेन द कलर। ये मैंने आपकी पीएचडी के लिए लिखा दिया है, लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि अच्छा पिछला स्लाइड लिखो तुम लोग, यस सर, ये फर्स्ट स्लाइड है, सारे लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। हेलो एवरीवन, सब यस सर। अच्छा ब्लीचिंग एक्शन टेम्पोररी भी क्या रीजन दोगे शॉर्टकट में, ब्लीचिंग एक्शन का रीजन, हाँ बस ब्लीचिंग एक्शन का भी रीजन है रिडक्शन प्रॉपर्टीज यहाँ, और टेम्पोररी का भी रीजन है रिडक्शन, आपको क्या क्यों बता दीजिए, इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, एक नंबर में इतना लिखा नहीं जाता, ये मैंने आपके सेल्फ स्टडी के लिए लिखा है, कोई कहेगा नहीं समझा दीजिए मुझे, तो ये मैंने समझा के लिख दिया ब्रैकेट में। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। तो देखिए इतनी बातें आपको याद रखनी है सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में,
ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन है, पंजेंट स्मेल है, कलरलेस है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, सिंपल समझा, इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट है, क्लियर है। और सबसे अच्छी बात एकदम शॉर्टकट में, कुछ एक स्टूडेंट है ना इसमें वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कोई बोले अपने से सारा माइंड में आना चाहिए, कलरलेस, पंजेंट स्मेल, एंटी कलर सब्सटेंस, आए है अपने से लिखिए रफ पेपर पर, परमानेंटली याद होगा शॉर्ट फॉर्म में, एंटी कलर, व्हाई, बिकॉज इट रिमूव द ऑक्सीजन चारकोल के प्रेजेंस में। अरे बोलना यार, कैसे पढ़ना है बोलना, आया समझ में? यस सर। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाउ सल्फर डाइऑक्साइड डिटेक्टेड, ये KMnO4 सॉल्यूशन को डीकलराइज करता है, KMnO4 को Mn+2 में, ऐसे रफ पेपर में लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे क्या क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, क्यों नहीं आपको आएगा, आएगा। दूसरा ब्लीचिंग एजेंट है, क्यों है, रिडक्शन प्रॉपर्टीज की वजह से, ब्लीचिंग एक्शन टेम्पोररी के परमानेंट, टेम्पोररी क्यों है, रिडक्शन प्रॉपर्टीज की वजह से। हाय अल्लाह, अभी भी नहीं आया, बोलिए ना। आ गया सर। तो अब आइए कि अगर आपसे कोई पूछे तो कि इसका यूज, तो एक तो हो गया यूज कि आपको भाई ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह है, समझा कि नहीं, पहला है यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर सिल्क वूल ये सब ETC। दूसरा यूज है used as anti-colored substance disinfectant yani bacteria sab ko marne ke liye disinfectant and preservative in sub form mein iska istemal hota hai। अरे बोलिए ना, आया? यस सर। और कहीं पर अगर लिक्विड लिखा रहा है SO2, SO2 तो गैस होता है, लेकिन लिक्विड SO2 जो होता है इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के फॉर्म में इस्तेमाल होता है टू डिसॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, डिसॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल को। बस एक इम्पोर्टेंट यूज और जगह खाली है, ऊपर मैं लिख देता हूं, यूज्ड इन, इसको रिफाइन में भी हम इस्तेमाल करते हैं, रिफाइनिंग पेट्रोलियम, वही है रिफाइन का मतलब, वही कलर इंप्यूरिटीज को हटाना, कलर सब्सटेंस को हटाना। और आपने पेट्रोलियम भी एंड शुगर, जो शुगर हम लोग को मिलता है वो क्या मिलता है, व्हाइट, जो मटेरियल से जो आपको जब मिलता है वो कलर्ड होता है, उसमें उसको फिर बना निकाला जाता है केमिकल डालकर, उसके कलर्ड इंप्यूरिटीज को, जो सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़े, इट इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन, इसलिए यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। आगे बढ़े जल्दी बताइए, अच्छा नंबर लाना आपको सब आना चाहिए, आगे बढ़े जल्दी बताइए आप। यस सर। यस सर। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं है। देखिए, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर बनाए तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है आपका, कहीं कहीं पर ये भी, तो ये है आपका एक स्ट्रक्चर, ये भी है, लेकिन चूंकि ये ऑक्टेट रूल को वैलिड नहीं कर रहा, दो दो चार और सल्फर के पास 10 है, ऐसे दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। और एक स्ट्रक्चर होता है, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, स्ट्रक्चर में रियल स्ट्रक्चर,
सल्फर डाइऑक्साइड का शेप बेंट होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और बेंट शेप है। और एक होता है कि लुइस, आपने पढ़ा ना केमिकल बॉन्ड में लुइस ऑक्टेट स्ट्रक्चर, लुइस ऑक्टेट या लुइस स्ट्रक्चर। लुइस का मतलब होता है ऑक्टेट रूल से ज्यादा, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लुइस स्ट्रक्चर। अरे बोलो ना। और यस केमिकल बॉन्ड, हाँ केमिकल बॉन्ड में टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जो हम चार्ज निकालते हैं बेसिकली वो ऑक्टेट रूल में ही निकालते हैं। आप इसमें कोई क्या क्या सल्फर का चार्ज बताओ, इस स्ट्रक्चर को बना के नहीं निकाल सकते। लुइस स्ट्रक्चर होता है कि ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दीजिए। अब बताइए सल्फर, 2 × 4 = 4, 2 × 6 = 2, 8। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। आ जाना ए अल्लाह के बंदे लोग, जल्दी बताओ। इसलिए केमिस्ट्री में कहा जाता है इन SO2 ऑल SO बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। जब भी ये लाइन आए तब समझ जाइएगा वो रेजोनेंस शो कर रहा है। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी तो डाल सकते हैं। हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना। हेलो एवरीवन। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब होगा तो दिखने में ये डबल सब पार्शियल डबल बॉन्ड की तरह दिखेगा। इसलिए पूछे गए नहीं SO2 ऑल SO बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। तो सिंपल की बिकॉज इट शोज रेजोनेंस एंड गिव्स टू अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर। अरे यार बोलो ना। यस सर। बिकॉज इट शोज रेजोनेंस, it shows resonance and it is के बाद यहां से लिखोगे resonance hybrid of two alternative structure। Did you understand? Thank you। चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका पहला कंपाउंड था सल्फर डाइऑक्साइड, तो कलरलेस है, पंजेंट स्मेल है, एंटी क्लोर है, ब्लीचिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। समझा कि नहीं? कैसे इसका प्रेजेंस का डिटेक्ट करेंगे? डीकलराइज केमेनोफोर सॉल्यूशंस, यूजेस भी आपने पढ़ लिया। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes। दूसरा कंपाउंड है ओजोन के बारे में पढ़ना है। This is also important, ओजोन। इसकी प्रिपरेशन बहुत आसान है, एक ही है, बहुत ही आसान एक ही प्रिपरेशन है इसकी। ओजोन टॉपिक डाल लिया आप लोगों ने, तो ओजोन के बारे में ये बनता कैसे है। तो बस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उसको कहते हैं साइलेंट, मैं बताऊंगा अभी, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब क्यों इसका लेते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में हम ऑक्सीजन गैस को पास कराते हैं तो फिर ओजोन बन जाता है। पहले लिखिए फिर मैं उसको समझाऊंगा। एक ही रिएक्शन आपको ये रिवर्सिबल है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ही हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ये। अब देखिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए।
यस सर हाँ मैं आपको समझाता हूँ, सारे लोग सुनिएगा। जैसे आपने इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन से ओजोन बनाना हाई टेम्परेचर पर है, लेकिन जब आप बना लेंगे तो टेम्परेचर जब लो होगा तो फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम द ऑक्सीजन जो वो एंडोथर्मिक है। तो साइलेंट का मतलब यही है शरीफ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है। इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ओजोन के फर्दर डिकम्पोजिशन को रोकना। अगर हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को फिर बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो फिर ये दोबारा चला जाएगा ओजोन। तो चूंकि ये है O2 ओजोन में है, फिर ओजोन इसमें जा सकता है, तो इसके फर्दर डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। मैं लिखता हूँ इस पॉइंट को, सारे लोग ध्यान दें। तो क्यों इस्तेमाल किया गया? चूंकि आप कहेंगे बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। Therefore, silent electric discharge is used to prevent its decomposition. समझा? अब बताओ गौर से, पहले लिख लिया था, मैं दोबारा समझा देता हूं। Yes, sir. देखो जब कोई चीज ब्रेक होती है ना तो आवाज के साथ ब्रेक होती है, आवाज आती है। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो ब्रेक होता है, तो एनर्जी क्या होती है? वो आवाज के साथ ऑडिबल, ऑडिबल। यहाँ साइलेंट का मतलब ये है बेसिकली। और आप जो लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर हैं, वहां भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लिया गया था। और याद रखिए, दो मिनट सुनिएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हाई वोल्टेज पर ही लिया जाता है। हाई वोल्टेज क्या करेगा? वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। इसको ये जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ हाई, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर इसके फर्दर डिकम्पोजिशन को रोक देगा। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का काम ही यही होता है, साइलेंट, कोई आवाज के साथ नहीं, नो आवाज। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। अरे किसी की आवाजें नहीं आ रही, सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। यस सर। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हाई वोल्टेज पर काम करता है कि लो वोल्टेज पर? जल्दी बताओ। हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज। यस। चूंकि ये एंडोथर्मिक है फॉर्मेशन, तो इसकी एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब कोई स्पार्क नहीं है, जैसे हाँ जैसे करंट इलेक्ट्रिक में होता है ना, स्पार्क करता है, स्पार्क करता है, आवाज आता है, तो उसको आवाज से बचाता है। समझो एक लाइन में कि ओजोन की स्टेबिलिटी के लिए, आए है टू इंक्रीज द मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ये भी तुम लिख सकते हो यहाँ पर, जो ब्रैकेट है ना वहां पर लिख लो कि टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल।
याद रखें आप। और ये आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पढ़ चुके हैं 11th में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में, इसलिए याद रखिए। तो जितना ओजोन मार्केट में कमर्शियल प्रिपरेशन होता है तो उसको हम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में डालते हैं तो ओजोन बनता है, ये याद रखिए आप अच्छे से। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो फर्दर ये ऑक्सीजन में डिसोसिएट ना हो जाए इसलिए हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो बहुत बहुत समझा दिया, बहुत टाइम दिया इस पर। बताओ सबको अब समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। और अपने लैंग्वेज में पेज के ऊपर लिख सकते हो, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज मेंटेन एट हाई वोल्टेज, इट कंज्यूम द एनर्जी, इट कंज्यूम द एनर्जी, इसलिए यही हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज एंडोथर्मिक हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है और उसमें भी हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब आगे बढ़े कि नहीं बढ़े ये पहले बता दो तुम लोग। आगे बढ़े। अब इसमें खास बात ये है कि ये जो कमर्शियल प्रिपरेशन होता है तो इसमें एक याद रखो, ये डाटा डाटा याद रखोगे कि इस प्रिपरेशन में जो कन्वर्जन है O2 टू O3 ओजोन इस 10% है। देयरफॉर जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है ना, प्रोडक्ट ये जो ओजोन बना ना, प्रोडक्ट इज कॉल्ड ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। और केमिस्ट्री में जब भी ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का वर्ड आए तो समझ जाओ O2 एंड O3 है। ये जो हुआ कि ये O3 जो बना तो बना, लेकिन ये 10% ही कन्वर्जन है, प्रोडक्ट में O2 भी है। फिर बाद में क्या करते हैं, इस मिक्सचर से हम प्योर ओजोन को निकाल लेते हैं, कन्वर्जन 10% है, सुना, प्रोडक्ट 10% मिलता है। अरे यार बोलो ना, सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, डाटा याद रखेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। आगे बढ़े जल्दी बताइए आप। ये लिख लिया, जल्दी बताइए। नो सर। सबको समझ में आया साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों लेते हैं, सबको अच्छे से आया कि नहीं ये वर्ड? Has everyone completed this slide? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आइए properties of ozone. सबसे पहला properties ये है, जो pure ozone होता है is a pale yellow gas. Pale blue gas. ये कलर सब याद रखेगा, यहाँ पर गैस में ब्लू गैस होता है, ये सुन लें। और O3 अगर गैस है, एक मिनट में चलिए ठीक है, एक दफा लिख दिया, चलिए तो आप कहिएगा पेल ब्लू है। और अगर ओजोन लिक्विड फॉर्म में रहा तो डार्क ब्लू है, समझा। और अगर ओजोन को सॉलिड फॉर्म में लिया गया, ये सब प्रॉपर्टीज के फॉर्म में आएगा, तो वायलेट ब्लैक, यानी ज्यादा ब्लैक कलर है, वायलेट ब्लैक, कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलो हाँ या ना, तीन कलर। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़े हैं। यस सर। दूसरी प्रॉपर्टी, इट हैज एक इसका एक करैक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है, कोई पॉइजनस नहीं है लेकिन स्मेल होता है, इट इज इट हैज, ये सब पर खास, ये सब पे स्टूडेंट ये नहीं रहते हैं लेकिन याद रखिए, जैसे बेंजीन के बारे में भी कहा जाता है करैक्टरिस्टिक्स स्मेल, एरोमा एरोमा एरोमेटिक एरोमा, इट हैज करैक्टरिस्टिक्स स्मेल, करैक्टरिस्टिक स्मेल।
छोटी छोटी प्रॉपर्टी सब याद रखना है। हाँ आगे बढ़े जल्दी बताइए। यस सर। तीसरा पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास ओजोन रखा हुआ है मान लीजिए, गौर से सुनिएगा, तो ओजोन के बारे में कहा जाता है, गौर से सुनिए, ओजोन इज थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल। देखिए एक होता है अनस्टेबल की, जैसे CaCO3 हीट किया तो ये अनस्टेबल बन गया, हीट देकर उसको अनस्टेबल बनाना नहीं। ओजोन थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है कि अगर आप ये रखिएगा ना तो ये जल्दी से ओजोन में कन्वर्ट होना जाएगा, O2 में कन्वर्ट होना जाएगा, इसलिए उसको रोकने के लिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का इस्तेमाल किया गया। सर ये भी वर्ड हो सकता था अनस्टेबल? नो, थर्मोडायनेमिक का मतलब हुआ कि भाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये इंट्रोपी पॉजिटिव है, अपने आप होगा ये, किसी हीट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। वर्ड ये भी हो सकता था ओजोन इज अनस्टेबल, कहते ना भाई इट इज अनस्टेबल सब्सटेंस, नहीं, वर्ड है थर्मो, जब भी केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक का वर्ड आए, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, ये तीन वर्ड माइंड में आना चाहिए, तीनों फेवर कर रहा है इसको, फेवर फेवर। हाँ बिहारी अनस्टेबल है तू, बाय नेचर ये अनस्टेबल है। एक होता है कि चलो भाई अरे रूम टेम्परेचर पर हाईली स्टेबल है, हीट दिया अनस्टेबल बन गया, नहीं ये तो थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल है। रीजन पूछेगा वाई वाई ओजोन इज थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल, गौर से सुनो, मेरे वर्ड को समझ में आ रहा है भाई मैं क्या बोला? हाँ तो कोई पूछेगा ओजोन इज थर्मो डायनेमिक अनस्टेबल, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ये डिकम्पोज होगा तो ऑक्सीजन ही में तो जाएगा ये। आप सुनो और से सुनना, लिखना मत, अभी तुम पढ़े कि O2 गैस से तुम ओजोन बनाए, ध्यान देना तुमको, मैं ऐसे यानी कि बगैर समझे याद कर लेना, तो आपको बैलेंस के लिए केमिस्ट्री कहता है। बताओ यहाँ रिएक्टेंट में गैस का मोल कितना है, यहाँ पर बताओ 3 मोल है। Yes, sir. और प्रोडक्ट में गैस का मोल 2 है, केमिस्ट्री कहता है डेल्टा एच का, जब भी गैस का मोल घटे डेल्टा एन जी अगर निगेटिव में आए, मोल घट रहा है तो समझ जाओ कि वो एंडोथर्मिक है, एंडो है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव आता है ना तो वो एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि गैस का मोल ज्यादा बना, जितना ज्यादा बना एनर्जी रिलीज हुई, यहां बिहारी ले रहा हो 3 अब बन रहा है 2 मोल, इसलिए तो कहा गया कि एंडोथर्मिक है, रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा, इसलिए साइल कमर्शियल ऐसे ओजोन नहीं बनता जहां ओजोन ओजोन कमर्शियल मार्केट में अगर आप कहीं पर भी जाओगे तो वो बनाया जाता है, कमर्शियल प्रिपरेशन का तरीका ही यही है कि आप उसको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में बनाए। दूसरी बात, मोल गैस का मोल घट रहा है तो एंट्रोपी रैंडमनेस भी घट रहा है। अब इसका तुम उल्टा कर दो, O3 गैस जब O2 में जाएगा तो ये 2 H3, अब बताओ गैस का मोल बढ़ रहा है तो एक्सोथर्मिक हो गया, डिड यू अंडरस्टैंड? अरे yes, बोलो sir. और एंट्रोपी पॉजिटिव हो रहा है, बताओ ये 2 साइन होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये कहा गया ना ओजोन इज थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल, जैसे जाएगा तो O2 में जाएगा। अब तुम केमिस्ट्री का वो वर्ड नहीं पढ़े, डेल्टा जी सेकंड टू डेल्टा एस टी माइनस डेल्टा एस, डेल्टा जी नेगेटिव, टी रहने दीजिए टी है, और टी डेल्टा एस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव इज द पहचान ऑफ स्पॉन्टेनियस, अपने आप होना, इसीलिए कहा गया ओजोन थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल, बिकॉज के
its decomposition to oxygen results in the liberation of energy. Energy released. Phir se bolna, thermodynamic constant, because its decomposition to oxygen result in the liberation of heat, matlab exothermy, an increase in entropy, due to which delta G becomes more negative and spontaneous. अपने आप होना. अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोले एवरीवन. यस सर. हाँ, इस दो फैक्टर की वजह से डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, अपने आप हो गया स्पॉन्टेनियस. एक होता हीट देकर करना, वो होता नॉन स्पॉन्टेनियस. ये बिहारी अपने आप हो रहा है, इसीलिए तो कहा गया इसके डिकम्पोजिशन को अब कमर्शियल अब बना रहे हैं. अब बिहारी फिर O2 दे रहा है, इसलिए तो कहा गया इसके डिकम्पोजिशन को रोकना है बिहारी को, तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज करो, वरना तुम बना ही नहीं पाओगे. मार्केट में तुम ओजोन का सप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए वहां कहा गया साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इस्तेमाल करो. कोई बोल ही नहीं रहा है, हे अल्लाह. समझ में आया? तो अब स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं समझा, सर बुक में लिखा हुआ लिबरेट हीट, तो सर कैसे लिबरेट हुआ? तो इसलिए मैंने समझा दिया, रट के नहीं पढ़ना है. ओजोन का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, तो उसका उल्टा हो जाएगा डिकम्पोजिशन, तो वो एक्सो हो जाएगा. गैस का मोल बढ़ रहा है इसमें, एक्सो. गैस का मोल बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है. दीज टू फैक्टर की वजह से डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव. आए है, बोलिए बोलिए. यस सर. यस सर. ये मरियम को आता आ रहा है कि नहीं समझ में, अल्लाह ही मालूम. सबको आ रहा है भाई? यस सर. यस सर. यस सर. इसलिए तो किए, इसलिए कहा गया, पहले इसलिए लिख लो. मैं एक बात बता देता हूं. लिख लिया सारे लोग? बोलो. यस सर. लिख लिया? खुद सोचो, खुद सोचो, लॉजिक दो. इस कंसेप्ट से क्या चीज मालूम हुई? जानते हो क्या चीज मालूम हुई? कि ओजोन, ध्यान दो, लॉजिक है ना कि आपके, तो नो लॉजिक सुनो. ये 10% ही क्यों कन्वर्जन हुआ? इसलिए कि अगर ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में बनेगा, मेरी बात सुन रहे हो न्यूज चैनल NDTV रविश कुमार, सुन रहे हो सारे लोग? जल्दी बताओ प्राइम टाइम. यस सर. बोलो यार, जल्दी बोलो, सुन रहे हो? यस सर. हाँ. ओजोन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में, कोई बोलेगा सर 10% से क्या फायदा? बहुत फायदा है. अगर ओजोन हाई कंसंट्रेशन पर अगर कहीं पर भी होगा तो जानते हो बम उड़ा देगा, एक्सप्लोसिव, डेंजरस एक्सप्लोसिव, क्योंकि ये अनस्टेबल है. थोड़ा भी है तो अनस्टेबल है. अगर ज्यादा बन गया तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. अल्लाह साइलेंट को भी स्टार्ट कर देगा. बिहारी जिस ट्यूब में हो रहा होगा उसको फाड़ देगा. जो बना रहा होगा उसका भी दिमाग फाड़ देगा बिहारी. डेंजरसली एक्सप्लोसिव, डेंजरसली. ये नहीं है एक्सप्लोसिव. अरे अल्लाह, मैं इसलिए कहता हूँ NDTV डेंजरसली एक्सप्लोसिव. डेंजर है ये हाई कंसंट्रेशन. लॉजिक सबको समझ में आ रहा है?
लॉजिक समझ में आ रहा है 10% की क्यों बना? यस सर। हाँ अगर इसको तुम मार्केट में जाओगे बिहारी ज्यादा दे दिया, तुम जाओगे घर जाते जाते तुम्हारे हाथ में फट जाएगा, मर जाएगा बिहारी। अरे ऐसा काम मत करना भाई, सुना? हाँ तो सब समझिए एनसीईआरटी की मैंने क्या कहा। एनसीईआरटी जखीरा है, समंदर लाइक बुक है। क्यों 10% वो लिखे हुआ है? आई अल्लाह क्यों लिखे हुआ है? थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, अनस्टेबल है वो। अगर हाई कंसंट्रेशन में बनेगा तो ये डेंजरसली एक्सप्लोसिव होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो 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 yes, ना। यस इसलिए याद रखो कि कौन खटपट कर रहा है रे। अरे मैं रिमूव कर दूंगा, म्यूट कर ले। बहुत खतरनाक आदमी इस मामले में मैं। म्यूट किए, आवाज नहीं आ रही है भाई? नहीं सर नहीं। इसलिए वो अनस्टेबल होता है, लोग 10% कन्वर्जन है। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यस सर। वही है जब हम लोग बोर्ड में पढ़ाते हैं ना, बोर्ड लेवल में, तो तुम जानते हो ना जामिया नगर के बच्चों की खास बहुत बड़ी कमी ये होती है। सर सिलेबस कब खत्म होगा? इस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा? तो इसलिए हम सरकारी हाथ चला देते हैं। सरकारी हाथ का मतलब ये तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि सर, उसको लगे सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम लेमन चूस देते हैं, लेमन चूस। कोई हमको डिस्कस, कोई हमसे अगर, नहीं मेरी कमी है, कोई अगर पूछ देता सर ये चैप्टर में कितना टाइम लगेगा, कब खत्म होगा, जी करता उसका कच्चा कलेजा मैं चीर के खा लूं अगर पॉसिबल होता तो, मुंह चीर लेता मैं बिहारी का। क्योंकि टीचर मेहनत से पढ़ाता एक एक इंफॉर्मेशन, ये खाला माँ का घर है पढ़ाना, ऊपर ऊपर पढ़ाना हो गया, इनऑर्गेनिक का शीट दे दिया रट लो, ऐसे होता है क्या? बोर्ड लेवल में भी कुछ लोग टोक देते हैं हमें सीबीएसई में, तो हम सरकारी हाथ चला देते हैं। वो खुश है, इन बेसा सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो लो डेंजरसली एक्सप्लोसिव हो जाता हूं मैं, तो उसको सरकारी हाथ सर। और हमसे कोई ये ना पूछा सर कर, अरे भाई तुम आता है जुलाई में अगस्त में, तुम सिलेबस की बात करेगा? तुमको इतने ही सीरियसनेस है तो शुरू से पढ़ना, आना शुरू से पढ़, नाप तौल के पैसा देगा। आए यही जामिया नगर से बाहर निकलेगा तो 1,00,000 वन टाइम में देगा, और ओखला में आएगा सर। अब एक रूल है ओखला का, मैं कहूं अगर मैं पूरे ओखला में पोस्टर चिपका दूं कि मैं पूरी केमिस्ट्री 100 रुपया में पढ़ा रहा हूं, हंसना मत, 100 रुपीज में, तो फिर भी स्टूडेंट आएगा कि सर आज आप 30 रुपया ले लीजिए, अगले महीने 35 ले लीजिए, फिर अगले महीने नाइक। कुछ स्टूडेंट है 1% अच्छे हैं, 1% भी बहुत हो गया, 0.01%, उसमें भी कहेगा कालर खड़ा करके आएगा सर हम ट्राई लेंगे 2 हफ्ता, ट्राई लेगा, फिर उसको टोका जाएगा, बहुत टोका जाएगा तो फिर देगा। बहुत ऐसे हैं इस बैच में भी, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं नाम नहीं बोल रहा। अरे टीचर का नाम आप जाने, टीचर फेमस है, रेगुलर क्लास ले रहा है, तो भाई तुम यकीन करके पढ़ो ना। जब तक तुम डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने जा रहे हो, डॉक्टर पर यकीन नहीं रहेगा, तुम्हारी बीमारी ही नहीं ठीक होगी रे। तुम उसके डॉक्टर को शक, हाँ अच्छा डॉक्टर है, ये नहीं कि छोला जाप डॉक्टर। अगर तुम एम्स में जा रहा है तुम उस पर यकीन नहीं करेगा तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा? तुम शक की निगाह से डॉक्टर को देखेगा तो तुम्हारे पर दवा भी फिट नहीं होगी। वही हाल जामिया नगर के स्टूडेंट का है कि जो मशहूर टीचर है उनके भी आता कि हम ट्रायल लेंगे, और हमने कह दिया ना 100 रुपया भी फीस रख दी जाए तो कहेंगे हम 30 रुपया, वो भी बहुत टोकने के बाद।
फिर अगले महीने टोकियो तक, सर अभी तो देवे किया है, अब्बा का पेमेंट आएगा 35 रुपया। रमजान में टोक दीजिएगा तो कहेगा कि सर ईद है, ईद की मार्केटिंग पॉसिबल है, लेकिन उस टीचर की मेहनत की कमाई उनको देना पसंद नहीं है ओखला के लोगों को, इसलिए देखे ओखला में वही दूसरी जगह जाते हैं सर, बहुत जल्दी पढ़ाता है वहां, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो मुझे तो बहुत पीएचडी हासिल है ओखला के लोगों पर पीएचडी, इसलिए डेंजरसली एक्सप्लोसिव के नाम से मेरा दिमाग भी एक्सप्लोसिव हो गया, और अब मेरा दिल का भरास निकाल लेता हूँ ना तो मैं स्टेबल हो जाता हूँ, अब मेरा दिमाग काम करेगा, मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, जल्दी बताओ भाई। मैं एक बुक लिख रहा हूँ ना जामिया नगर के स्टूडेंट पर और गार्जियन पर, तो अभी मैं उसको मार्केट में लाऊंगा। ठीक है, बता दीजिएगा नाम। आगे बढ़ते हैं, चलो अब हो गया भाई आज का, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये ओजोन डेंजरसली एक्सप्लोसिव है, अरे यकीन करके पढ़ो, कोई टीचर इतना मेहनत से पढ़ाए, बच्चों मेहनत करे दे, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, पढ़ेंगे है नहीं, झूठ का उधर उधर टीचर को आ रहा है कुछ, पढ़ा रहा है पी ब्लॉक तो पढ़ेंगे डी ब्लॉक, अब बाद में कहेंगे हमको ये नहीं समझ में आया, हमको वो नहीं आया, समझा, रेगुलरिटी रहती नहीं है, टीचर जो कहता है उसका उल्टा पड़ता है, तो होगा तो यही। अब देखो दूसरी बात ओजोन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज उसके बाद कि पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद आता है ओजोन। पूछेगा व्हाई ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बस वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान, एक तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया, दूसरी पहचान यह है कि अगर वो रिएक्शंस के दौरान नेसेंट ऑक्सीजन दे दे, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान होती है। केवल ऑक्सीडेशन स्टेट से पहचान नहीं, वो एक तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका यह भी है, ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, ड्यू टू ईज विथ विच इट लिबरेट्स ऑक्सीजन, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब भी इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पर होगे, जैसे मैंने आपको सिखाया नाइट्रिक एसिड क्या देगा NO2, डाइल्यूट HNO3 क्या देगा N2O या NO, कल पर ये सल्फर डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सल्फेट देगा, उसी तरह ओजोन का याद रखो, जब भी वो किसी से रिएक्ट करेगा तो वो अपने आप में किस में कन्वर्ट होगा, जल्दी बताओ याद रखने का तरीका, अरे बोलो, हाँ यहाँ तक लिख लिए थे सारे लोग, जल्दी बताओ। यस सर। लिख लिए थे पिछला स्लाइड, जल्दी बताओ। यस सर। अरे मोहसिन नाम का स्टूडेंट लिख लिया था जी सर।
याद रखिएगा लेड लेड और सब मैं एक शॉर्टकट भी बता दूंगा, लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट, याद रखोगे लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट, तो तुम्हें रिएक्शन दे देगा कि पीबीएस है और ओजोन है, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? अगर कंसेप्ट क्लियर है, पीबीएस को पीबीएसओ फोर में कन्वर्ट करेगा और ओजोन खुद से किस में कन्वर्ट होगा, जल्दी बताओ। ओ टू। अब इसको तुम डायरेक्ट बैलेंस भी कर सकते हो, समझा कि नहीं? सल्फर ये सब ऑक्सीजन बैलेंस है, चार है, तो तुम इसमें अगर चार कर दो और यहाँ चार तिया बारह है, तीन दुना छः चार दस हो जाएगा, ये भी चार दुना आठ चार बारह हो जाएगा, मतलब बराबर। चलो पहला प्रॉपर्टीज हो गया, दूसरा लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना जल्दी बताओ। जी सर। अब सुनो, ये स्कूल बोर्ड लेवल में नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, बैलेंस में नहीं करूंगा। ओजोन है, पी फोर को किस में कन्वर्ट करें, भाई फॉस्फोरिक, याद है पी फोर सब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो फॉस्फोर, ओजोन किस में कन्वर्ट होगा, ओ टू में। सल्फर को किस में कन्वर्ट करेगा, जल्दी बताओ, क्या बताया था ग्रुप 15 में, सल्फ्यूरिक एसिड, अरे याद है सबको सल्फ्यूरिक एसिड यार। यस सर। ओ थ्री, ये एक दफा ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, कार्बन को एस टू सी ओ थ्री, समझा कि नहीं, कार्बोनिक एसिड एस टू सी ओ थ्री में, ये याद रखो यहाँ पर, एनी प्रॉब्लम, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखोगे, बात वही हो जाएगी ना, एस टू सी ओ थ्री डिकम्पोज होकर एस टू ओ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकला जाएगा, डू यू अंडरस्टैंड? बोलो हाँ या ना। तो ये अलग से मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, ये स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशन में कई दफा आ चुका है, वाटर के साथ वाटर को लगा के तुम बैलेंस कर सकते हो, एनी प्रॉब्लम, हाँ या ना जल्दी बताओ। वाटर किधर लिखोगे, रिएक्टेंट साइड, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी है इसलिए रिएक्टेंट साइड लिख सकते हो, आगे बढ़े जल्दी बताओ। यस सर। अब मैं ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, लेकिन इसको मैं टॉपिक के फॉर्म में इसलिए लिखाता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे कल मैंने एक टॉपिक के फॉर्म में लिखाया था कि हाउ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिटेक्टेड, याद है ये? यस सर। यस सर। उसी तरह एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, एक टॉपिक लिखा देता हूँ और इस पर डबल स्टार बना लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, estimation of ozone quantitatively, यानी हम ओजोन को कैसे क्वान्टिटी में बना सकते हैं, quantitatively, ये टॉपिक लिख लो, ठीक। मैं पहले पूरा लाइन लिखाता हूँ, तुम मेरे साथ साथ लिखो, फिर मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा। लिखो, when ozone is treated with KI, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होगा, देन आयोडीन इज लिबरेटेड, आयोडीन लिबरेट होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ये भी है, लिबरेटेड। आगे का ना लिखते रहो, मैं फिर समझाऊंगा, विच इज टाइट्रेटेड, टाइट्रेशन होता है, दो रिएजेंट का रिएक्शन कराना, वो हम अभी बताएंगे आपको। अगेंस्ट किसके साथ, अगेंस्ट वर्ड है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मैं एक एक सेंटेंस को समझाऊंगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट NO2S2O3, दिस इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट, इस बेसिस पर देयरफॉर O2 इज एस्टिमेटेड। अब ये लाइन स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, मैं आपको समझा देता हूँ, एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, पहले लिख लो, मैं फिर इसका रिएक्शन कैसे लिखोगी वो भी मैं बताऊंगा। लिख लिया सारे लोग? जी सर।
इसमें एक वर्ड है, मैं उस सब वर्ड को समझा देता हूँ कि आप जब पढ़ें तो आपको ये लाइन सब जल्दी याद हो जाए। पहली बात है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जब तुम टाइट्रेशन करोगे ना तो तुम लैब में देखो होगे कि बहुत सारे बोतल में लिखा रहता है 2m, 3m, मोलारिटी या नॉर्मलिटी के फॉर्म में ऑलरेडी पहले से लिखा रहता है। हाँ या ना जल्दी बताओ, लिखा रहता है लैब में, गए हो कभी केमिस्ट्री लैब में? अरे बोलो। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं वो ऑलरेडी पहले से बना के रखा रहता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं हुज कंसंट्रेशन इज नोन, इसलिए उसके बॉटल पर पेपर पर लिखा रहता है कि इसकी मोलारिटी या नॉर्मलिटी कितनी है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड। टाइट्रेशन का क्या मतलब होता है, तुम इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो n1 v1 = n2 n2v2। दो रे एक एक अननोन की कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मदद से निकालते हो, सिंपल है ये टाइट्रेशन, इसी को कहते हैं। एक नोन कंसंट्रेशन की मदद से अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को तुम निकालते हो, एंड पॉइंट मालूम करते हो, टाइट्रेशन इसी को कहते हैं। उसमें एक वर्ड आता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताइए। और याद रखना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वही होता है कि जो, गौर से सुनना अच्छे से मेरी बातें, जो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता। जैसे आपने बॉटल में कंसंट्रेशन निकाला, अब तुम बहुत रख दिए, ये बिहारी क्या किया, सराउंडिंग से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लिया, तो फिर कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ जाना, हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं जो, हाँ तो बस। अच्छा ये डीएफ ब्लॉक में है, तुम टाइट्रेशन में लैब में किसका इस्तेमाल करते हो, KMnO4, K2Cr2O7, यही सब तो इस्तेमाल करते हो। और एनसीईआरटी में डीएफ ब्लॉक में भले इस दफा रिड्यूस सिलेबस में है, तो दुआ मांगिए कि डीएफ ब्लॉक का लगभग 15 से 20 रिएक्शन 12th वाले बच गए इस दफा। डीएफ ब्लॉक बी में भी 15 से 20 या 20 रिएक्शन हैं उसमें, लेकिन वो बच गए आप इस दफा, इसलिए आप पढ़िए हुज कंसंट्रेशन इज नोन। और वही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है कि ऐसे और है लेकिन बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, कॉमन एग्जाम्पल K2SO2, बिकॉज इट इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इट इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये नहीं किसी, आपको वो नॉलेज मैं दे रहा हूँ, इट इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब आपका काम है पढ़ना ना पढ़ना, ठीक। अब सुनो, तो आप मुद्दे पर आते हैं कि ओजोन इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। तो होता ये है, गौर से सुनो, कि O3 का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ किया जाएगा तो आयोडीन लिबरेट होगा, O2 बनेगा। और K कहाँ जाएगा, तो KOH में जाएगा। जब KOH लिखोगे इधर वाटर लिख दोगे, फिर इसको बैलेंस किया जा सकता है। समझा कि नहीं? बैलेंस करना चाहे तो 2KI है, आयोडीन है, 2KOH है, तो आपको बैलेंस हो गया। इसी को एग्जामिनर, ये बहुत मिसलेनियस, एग्जामिनर कभी कभी इस तरह दे देता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, I-, समझा? और ब्रैकेट OH- दे देगा, कहेगा इसको कंप्लीट करो, कि बेसिक मीडियम में है यहाँ, कहेगा कंप्लीट करो। अब स्टूडेंट पागल की तरह नाचता है कि ये रिएक्शन कहाँ एनसीईआरटी में है, पोटेशियम आयोडाइड, इसको आयंस के फॉर्म। तो आप एग्जामिनर को इसको इस तरह लिखेंगे, इसलिए सतर्क रहिए इसको कैसे लिखना है, कि O3 है, I- है, या इसी को पूरा लिख दीजिए ना, 2I- है, प्लस वाटर है, I2 है, प्लस O2 है, प्लस 2OH-, इसी को याद रखिए, 2OH-, 2I-, 2K कैंसिल। Did you understand? और ये सतर्क रहिए इस तरह याद रखने के लिए। अब मैं जो बता रहा हूँ, ये आयोडीन लिबरेट हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. बोलो सारे लोग। अब आयोडीन जो लिबरेट हुआ, तो इसका रिएक्शन वही कहा गया कि थायोसल्फेट के साथ। अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन मालूम है, इसका देखो NO2S4O6। अभी घबराना नहीं, मैं दोबारा भी समझाऊंगा, NaI बनता है। अब तुम बताओ
तुम मोल कंसेप्ट पर हो, जब इसका स्टैंड मोलारिटी मालूम है, इसका मोल्स मालूम हो जाएगा वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड करने पर। अरे बढ़ दो ना, हाँ या ना, जल्दी बता। अरे यार एन वन वी वन है तो जब इसका मोल मालूम हो जाएगा तो आई टू का भी मोल मालूम हो जाएगा ना, कितना रिएक्ट किया, बोलो हाँ या ना। यस सर। सारे लोग सुनो, फिर से सुनो। ओजोन जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, आयोडीन लिबरेट हुआ। आयोडीन जो लिबरेट हुआ ना, तो उसको टाइट्रेशन करा दीजिए सोडियम थायोसल्फेट के साथ। अब इसका अननोन है तो नोन की मदद से इसका मोल मालूम हो जाएगा। जब इसका मोल मालूम हो जाएगा तो देखो, जब आई टू का मोल मालूम हो जाएगा तो ओजोन का भी मोल मालूम हो जाएगा। जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा। जब आई टू का मोल मालूम हो गया तो ओजोन का भी मोल मालूम हो जाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो बस मोल भाई, मोल ही तो मालूम करना है। इसको तो कहते हैं क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है स्मेल होना, कलर का चेंज होना, ये होता है क्वालिटेटिव। जैसे कल पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड डिटेक्टेड, कलर का डिस्चार्ज होना, ये कह रहा है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी कितना बनेगा, कैसे हम किसी लैब में ओजोन को क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे। क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव। कहा गया कि आप ओजोन का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराइए, आयोडीन लिबरेट होगा, आयोडीन का टाइट्रेशन करा दीजिए किसके साथ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है नॉन कंसंट्रेशन। नॉन कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी या नॉर्मलिटी मालूम है, फिर वॉल्यूम की मदद से मोल्स निकालिए। जब इसका मोल मालूम हो गया तो आई टू का मोल मालूम हो गया, आई टू का मोल मालूम हो गया तो ओजोन का मोल मालूम हो गया, मोल मालूम हो गया मास निकल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड। अभी भी नहीं समझ में आया तो बोल दो भाई, मैं 10 दफा समझा दिया। जल्दी बोलो आया सबको। हेलो एवरीवन, जल्दी बोलो ना यार, ये सब समझाने। तो चलो लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। लिख लिया, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। यस सर। 2NI होगा। हाँ हाँ, उसको बैलेंस कर लीजिए। हाँ बैलेंस कर लीजिए, मैंने बैलेंस इसको नहीं किया है, आप बैलेंस कर लीजिए। ये हाँ, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे मालूम होगा। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताइए हाँ या ना। नो प्रॉब्लम सर। तो ये समझ में आया कि हाउ ओजोन इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, बताओ एक लाइन में बोल सकते हो ना। हाँ, मतलब क्या हुआ कि भाई ओजोन पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या लिबरेट होगा, जल्दी बताओ। पोटेशियम आयोडाइड सब आयोडीन, वेरी गुड। फिर उसके बाद आयोडीन का क्या किया जाएगा, जल्दी बोलो सारे लोग। सर टाइट्रेशन। वेरी गुड। किसके किस सॉल्यूशन के साथ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट। वेरी गुड। बस बस हो गया, शॉर्ट फॉर्म में। दो तीन दफा आपने पढ़ोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। शुरू में होता है कि अरे क्या चीज सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन दो तीन दफा मैं इसलिए रिपीट करता रहता हूँ कि ये सब पर खास ध्यान दें कि आपको एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली कैसे हुआ। चलिए अब आइए, सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि ये भी टॉपिक के फॉर्म में लिखिए। डिप्लेशन, अभी बात हो रही है ना ओजोन के डिप्लेशन। जब ओजोन में डिप्लेशन होगा तो इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ओजोन हमको अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाता है। अरे बोलिए ना, सही लोग सही कह रहा हूँ ना सारे लोग। yes, अरे बोलिए ना। yes, हाँ yes, आप सुनिए। तो मैं इसलिए इसको लिखता हूँ कि इसके समझाने में एक रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी देखिए, ये रिएक्शन को आप 10 दफा प्रैक्टिस कीजिएगा, आयंस के फॉर्म में दे देगा तो कैसे लिखना है। ओजोन आयोडाइड है तो याद रखिएगा बेसिक मीडियम है, यहाँ एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन। इसलिए ये सब ध्यान देना है।
एकदम ध्यान दे दे के पढ़ना, एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए डिप्लेशन ऑफ ओजोन भी है, तो आपने सुना होगा कि जो जेट प्लेन होता है ना, सुपर सोनिक जेट प्लेन, तो जब वो चलता है ना, ऊपर जब जाता है ना, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज करता है। पहले सुनेंगे अच्छे से, सुपरसोनिक जेट प्लेन जो होता है वो कौन सा गैस रिलीज करता है जब ऊपर उड़ता है कोई भी जेट प्लेन, तो जल्दी बताए कौन सा गैस रिलीज करता है। अरे ये कौन बिहारी है यार ये है, अरे हमजा तुम हो क्या? नो सर मैं नहीं हूँ। अरे जिसका है वो मत, हाँ जिसका है वो म्यूट कर लो भाई, वो मत बोला करो, तुम मत बोलो यार। तो यहाँ देखें जब तो रिलीज करता है एनओ गैस। अब यही एनओ गैस क्या करता है कि वो, आपको मालूम है ओजोन कहाँ रहता है, सारे लोग अपर एटमॉस्फेयर में रहता है, तो अपर एटमॉस्फेयर में रहता है तो ये एनओ टू बना देता है O2। तो खुद सोचो रिएक्शन में O2 कंज्यूम हो रहा है, जब O3 कंज्यूम हो रहा है तो खर्च हो रहा है कि नहीं, जब खर्च हो रहा है इसलिए डिप्लेशन हो रहा है। सुना सारे लोग, कंज्यूम हो रहा है कि नहीं जल्दी बताओ, O3 कंज्यूम हो रहा है कि नहीं ड्यूरिंग द रिएक्शन? इसीलिए कहा गया कि अब इसमें इस रिएक्शन को समझाना, ये रिएक्शन आसान है तो आपको समझना, इसलिए ओजोन में डिप्लेशन है। और रिएक्शन ये भी याद रखना है कि जब भी आपको दे दे कि NO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो एक एक तीर से दो निशाना, हमें थ्योरी भी समझ में आनी चाहिए और उसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो भी आना चाहिए। तो जल्दी जल्दी लिखिए, इसलिए पर डे नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको टफ लगेगा, ये सुन लीजिए। इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, पर डे पढ़िए और ये सब क्वेश्चन आते हैं, पढ़ लीजिए, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है सबको पढ़ना। सबको समझ में आ गया, और ये ऊपर रिएक्शन लिख लीजिएगा। देखिए बात ये नहीं कि टफ नहीं, अब NOO3 के साथ रिएक्शन क्या, मेरी बात सुनिए, जब आप रिएक्शन को देख के नहीं जाएगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं क्या बनना है। इसलिए कहा जाता है कि आप रिएक्शन को देखकर जाएं, और जब देख लेंगे तो कोई टफ रिएक्शन नहीं है, NOO3 है, NO2 है, O2 बचा। सुना सारे लोग, जब आप देख के जाएंगे तो ये आपको काफी आसान लगेगा, नहीं देख के जाएंगे तो ये भी आसान टफ लगेगा कि NOO3 के साथ क्या बनाता है। आगे बढ़े, जल्दी बता दो। यस सर, यस सर। अब दूसरा ब्लीचिंग है, ये ब्लीचिंग एक्शन, ओजोन बताओ क्या रीजन दोगे, एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। यस, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, वेरी गुड। ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करेगा, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, बस। कपड़े सिल्क वगैरह, क्लोथ, वेजिटेबल, जिसको भी कलरलेस करना है उसमें इस्तेमाल होता है, वही है कलर्ड। अब यहाँ पर तुम ये देख सकते हो, कलर्ड सब्सटेंस कलरलेस, इन सबको अब ये पढ़ लेना है, इतनी दफा पढ़ लो कि एग्जाम में रिपीट करने में तुम्हें एक पूरा पी ब्लॉक मिनिमम एक घंटा में लग जाओ, होगा जब आप एक चैप्टर को 5-6 दफा अभी से पढ़िएगा, बाद का चक्कर नहीं, बाद में रिपीट करेंगे, बाद में रिवाइज करता रहा जिंदगी भर। इतनी दफा पढ़ लो कि जब आप इसको रिपीट करें तो आपको कम टाइम जाएगा। स्टूडेंट नहीं कहते हैं सर, अरे सर टाइम नहीं मिल पाया,
पेपर क्यों खराब हुआ? कुछ सर रिवाइज नहीं कर पाए लास्ट टाइम में, अरे गधा कहीं का, साल भर पढ़ेगा अब इतनी बातों को दिमाग में कैसे तीन चार दिन के गैप में याद रखोगे भाई। तो अभी से पढ़ना है, पर डे पढ़ना, एक एक चीज को, जो क्लास अभी लिया उसी को आधा घंटा में चार चार दफा पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए रफ पेपर पर क्या रिएक्शन सर ने पढ़ाया। अब फिर कल जब पढ़िए तो पांच मिनट उसी को रिपीट कीजिए, फिर नई चीज पढ़िए, क्या नहीं होगा भाई। आगे बढ़े, जल्दी बताएं सारे लोग प्लीज। Yes, sir. इसका बहुत आसान यूज सब है, यूज तो एक तो मैंने पढ़ा दिया, ओजोन का यूज जो है सबसे पहला यूज क्या होगा बताओ सारे लोग, इट एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. जर्मिसाइड, बैक्टीरिया सब में भी इसका इस्तेमाल होता है, मार्ग में जर्मिसाइड, और जो मैंने अभी बताया भी था डिसइंफेक्टेंट, ये भी डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में इसका भी इस्तेमाल होता है। O dot A का फुल फॉर्म बताओ। ऑक्सीडाइजिंग पोटेशियम परमैंगनेट, एंड स्टरलाइजिंग वाटर। स्टरलाइजिंग का मतलब बैक्टीरिया को मारना, लिख लेना अपने लैंग्वेज में, कि वो चीज समझने में आसान है, टू रिमूव बैक्टीरिया। या अदर कोई लिविंग इंप्योरिटीज को हटाने के लिए, सुना लिख लिया अपने लैंग्वेज में, अरे बोलो। yes, अब जो जानते हो yes, ये सब लैंग्वेज पर कमांड करो, जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजिंग वाटर, उसी दिन पर होगे तो कोई ये नहीं आपको कहेगा हम इतना कैसे याद रहे, उसी दिन पर हो यार, उसी दिन पर हो, उसी दिन पर हो, समझ में बात आ रही कि नहीं, तो आपको याद हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब एक बहुत आसान है, तीसरा कंपाउंड ये तो इसमें कुछ है ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो, क्या पढ़ना है जल्दी बताओ। अरे बोलो ना, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन तो सब लोग जानते ही हो, तो अब तक तुम कितने ब्लीचिंग एजेंट पढ़े जल्दी बता सकते हो कोई आदमी? दो। दो कौन कौन? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। ये सब वही रिएक्शन है जो तुम पढ़ चुके हो, KClO3 है, हीट है, और कैटलिस्ट MnO2 लेते हैं, कौन बोला रे ओजोन पॉइजनस होता है, कम अमाउंट में पॉइजनस नहीं है गधा, जानवर बिहारी, कौन लिखा था रे, कम अमाउंट में ओजोन हार्मफुल नहीं है, ज्यादा लेने पर हार्मफुल में, गधा कहीं का
तो तुम मत इस्तेमाल करना ब्लीचिंग इसमें ऑयल में, तो सीएल टू ले लेना। तुमको अगर पॉइजनस लग रहा है ना बिहारी तो खा के मर जाना। अरे गुंडा मैंने लिखा ना कि डेंजरस एक्सप्लोसिव कब होता है, हाई अमाउंट में कि कम अमाउंट में, जो बिहारी लिखा है इसका नाम तो मैं नहीं जानता, तो लिखा है वाई इट इज पॉइज, कहीं पर लिखा गया पॉइजनस है, कहीं पर लिखा है गया पॉइजनस तभी होता है जब वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लेंगे। अरे बोलो भाई जिनो और सब लोगों को समझ में, एक बिहारी लिखा है पॉइजनस, पॉइजनस वाई इंग्लिश हमको झार रहा है, वाई इट इज पॉइजनस, वाई इट इज यूज्ड इन द फ्लोर एंड ऑयल। अरे बोलो भाई इंग्लिश समझ में आ रही ना सबको? यस सर। कम अमाउंट में ओजोन हार्मलेस है, हायर अमाउंट में ओजोन हार्मफुल है। डिड यू अंडरस्टैंड? लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हायर अमाउंट में, हायर अमाउंट में वो है। तो कलर, कलर को कलरलेस करना है तो हाई अमाउंट थोड़ी ना डालते हैं। अब भाई यार आपके पास अल्टरनेटिव भी तो है, आप मत इस्तेमाल कीजिए। जो पूछा वो सिगरेट भी पीता वो हार्मफुल नहीं है, ड्रिंक करता वो हार्मफुल नहीं है, ओजोन में बड़ी इनकी फिक्र लगी हुई है। बाप रे बाप, देखिए इनको। नो सर नहीं पीता सर। मैं तुम्हारा नाम ही नहीं बोला, देख लो भाई हम नाम बोला था, देख लो अपने आप बोल दिया कि नहीं। ट्रिक सर मैं जानबूझ के प्रोवोक करता हूँ स्टूडेंट की, वो बोले कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा कौन ऐसा स्टूडेंट है। हम नाम ही नहीं बोला, हम तो उनकी इज्जत का हिफाजत की, लेकिन वो अपने आप इज्जत हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा जो ड्रॉपर बैच में है ये ट्रिक्स याद रखो हमेशा, ऑक्साइड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, ऐसे ही तो मैं बोर्ड लेवल में पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो 12 पास आउट हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन में, ऑक्साइड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल हीट करके हमेशा मेटल और ओ2 देता है, जैसे Ag2O हीट करोगे Ag बनेगा प्लस O बनेगा। सारे लोग ये मिर्जा गुंडा रे, तुम क्यों अपने आप को खोलता रे, तुम पकड़ा गया रे गधा बिहारी तुम्हारा। अरे बंद करो, तुम क्यों चालू कर रहा, बंद कर बिहारी, कहीं का गाली दे दूंगा यहीं से बिहारी, उस वक्त से डिस्टर्ब कर रहा है पूरी क्लास को। म्यूट करो तुम गुंडा, कहीं का लबर लबर कर रहा है उस वक्त से, सॉरी सर उस वक्त से कर रहा है, आप सॉरी बोल रहा है, पूरे क्लास को डिस्टर्ब किए हुआ, बातें नहीं मान रहा है। हाँ कोई कहे N2O को हीट कर पे ऑक्सीजन बनेगा, नहीं लेस रिएक्टिव मेटल, और वो तुम याद तो छापा मैंने बताया था, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ भी लोगे। अरे बोलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉपर बैच में तो आपको मैंने बताया था कार्बोनेट वगैरह में एजी का कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड नहीं बनाता, मेटल में कन्वर्ट होता है, ये सबको मालूम है कि नहीं, जल्दी बताएं सारे लोग। लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाते हैं, एनी प्रॉब्लम, जल्दी बोलो हां या ना? नो सर। बहुत सारे PB3 तो ये सब इतना आसान आसान, इसमें क्या देखना है, ये सब बहुत आसान आसान रिएक्शन सब है, PbO प्लस O2 ऑक्सीजन की प्रिपरेशन लिख लिए, इसको जल्दी बताओ बैलेंस कर लोगे, 2B6PO हाँ 8 हो गया, ठीक है आगे बढ़ें जल्दी बताओ, ये सब आसान रिएक्शन है, PbO2 है PbO बन जाएगा प्लस O2 बन जाएगा, 2PB कर दो 2PbO, बाकी ऑप्शन के बारे में बस ये लिख लो इट इज कलरलेस, यस इट इज कलरलेस। बाकी इसकी एक खास बात ये है कि इट रिएक्ट्स nearly
ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसका ऑक्साइड बनाता है एक्सेप्ट वही जो जो मैंने नाइट्रिक एसिड में भी लिखवाया था, कौन था वो नाम जिससे नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता, बात याद है किसको? गोल्ड एंड प्लेटिनम, याद आया? याद रख लो, ऑक्सीजन भी इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। हाँ, एंड सम नोबल गैस, सम का मतलब हर नोबल गैस नहीं, ज़ेनॉन रिएक्शन करता है, सम नोबल गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई का कौन ऐसा मेटल है। तो देखो कल हम लोग शुरू करेंगे ग्रुप 17, या हम आपको मैसेज कर देंगे कि क्वेश्चन डिस्कशन भी हो सकता है ग्रुप 15 का। ये ऑल अबाउट ऑफ द, इसमें एक कंपाउंड है जो रिड्यूस सिलेबस में है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो 12th के सिलेबस में इस दफा नहीं है। बाकी इसका रिएक्शन मैं जानबूझ के नहीं लिखा। अब तुमको कोई कहेगा Ca+O2CO2CO बनेगा, Al+O2L23 बनेगा, ये तो सब जानते हो ना भाई, इसलिए नहीं लिखाया मैंने। अरे बोलो ना, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो चलिए, ओके बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।